नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टेट में। मैं हूं आपका दोस्त मनीतोष कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में। बेसिकली आप सभी को पता होगा कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का नंबर अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्लोज किया है। तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। जैसे मैंने बेसिकली पहले मैंने रिजल्ट को थोड़ा देख लिया, तो मैं आपको बता दूँ रिजल्ट नहीं ज़्यादा अच्छा है, नहीं ज़्यादा खराब है, मिक्स है। लेकिन मैं बेसिकली रिजल्ट पढ़ने से ज़्यादा समझने के ऊपर ध्यान देता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। देखिए, पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी ने 1252 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने 1615 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो देखा जाए तो एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास का जंप देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर। लेकिन जब पिछले साल की ओर हम जाते हैं, तो पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 2000 करोड़ के आसपास हुआ था। तो वहाँ से देखें तो वहाँ से 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो ओवरऑल जो निकल के आता है 20% की गिरावट और 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। तो देख लेते हैं ओवरऑल क्या बन के आया है प्रॉफिट, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कुछ लॉस दिखाए हुए थे। जी हाँ, अगर आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कुछ लॉस दिखाए थे। लॉस जो बन के आया था कंपनी का ये है आपके सामने, 165 करोड़ का कंपनी ने लॉस दिखाया था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट जंप होकर 99 करोड़ हो चुका है। जी हाँ, तो देखा जाए तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है एक लॉस से एक पॉजिटिव में कंपनी आई है। जी हाँ, 165 करोड़ के मुकाबले 99 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है मेरे हिसाब से। लेकिन पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल 119 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट शो किया था। तो इस वजह से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है साल दर साल प्रॉफिट के अंदर। लेकिन ये बात वही हो गई क्योंकि कंपनी ने पिछले क्वार्टर पिछले साल 20% के आसपास का रेवेन्यू ज़्यादा दिया था। तो अगर 20% का प्रॉफिट भी ज़्यादा होता तो 120 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी कंपनी दे सकती थी। तो बेसिकली बोला जाए तो मेरे हिसाब से रिजल्ट के अंदर कुछ खराबी नहीं है, कंपनी बेसिकली लॉस से निकल के प्रॉफिट में आई है, इससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है बेसिकली। तो मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत अच्छे हैं, नंबर्स थोड़े से जो गिरावट वाले थे साल दर साल, लेकिन वो साल दर साल गिरावट मैं उसको ज़्यादा इग्नोर करूँगा बेसिकली, क्योंकि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर कंपनी ने लॉस से निकल के प्रॉफिट में आई है। तो मुझे लगता है वैसे भी शेयर का जो प्राइस अगर आप देखिएगा तो शेयर ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 25 रुपये का 52 का हाइक था, अभी शेयर 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी शेयर ऊपर के लेवल से मतलब 50-60% के आसपास नीचे गिर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक लेवल होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर पीबी भी देखें शेयर का तो अप्रोक्सीमेटली 0.6 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक तरह से अंडर वैल्यू शेयर ही है। बस अच्छे अगर नंबर्स आ जाए तो इस शेयर को आने वाले 1 से 2 साल में मुझे नहीं लगता कि शेयर के अंदर कोई गिरावट आएगी। यहाँ से शेयर आराम से 25 के 40-50 के लेवल भी आपको दिखा सकते हैं अगर सारा कुछ शेयर के अंदर सही रहा। तो बस यही बता सकता हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, अंडर वैल्यू शेयर है, बस होल्ड कीजिए। कुछ समय लगेंगे इसको उबरने में, लेकिन होल्ड कीजिएगा तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं आपको। यही बताना था, साथ में बताना था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, साथ में साथ सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।